नमस्कार दर्शकों, कहानी संग्रह में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको आमला एकादशी व्रत की महिमा, व्रत की विधि और पौराणिक कथा सुनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु पुराण में एकादशी व्रत की बड़ी ही महिमा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं तिथियों में एकादशी हूँ, मुझे बड़े बड़े अनुष्ठानों और यज्ञों से वो खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी एकादशी व्रत करने वालों से होती है। जो भी नर नारी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं, उसे समस्त पाप नष्ट होकर अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बड़े बड़े पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं। आमला एकादशी के दिन आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आमले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। प्राचीन भारत में चित्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए और वह रास्ता भटक गए। अचानक कुछ जंगली जातियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हथियारों से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन जंगली लोगों के हथियारों का राजा पर कोई प्रभाव न पड़ा। देखते ही देखते जंगली जातियों की संख्या दोगुनी हो गई। राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त जंगली लोगों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो राजा ने देखा कि समस्त जंगली मरे पड़े हैं। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। वे बड़ी सोच में पड़ गए कि हे भगवान, यह कैसे हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म की आमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने समस्त राज्य में आमला एकादशी की महिमा का वर्णन किया और यह घोषणा करवाई, आज से उसके राज्य में सभी लोग आमला एकादशी का व्रत करेंगे। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।